सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अंदर इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है। तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित तीसरी लहर में होंगे और बच्चों को बचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ी खबर, अस्पताल में तैयारियों को लेकर बात कही जा रही है कि पूरी तैयारियां अस्पतालों में की जाएंगी और अस्पताल में तैयारियों को लेकर एक टीम भी गठित कर दी गई है। बड़ी खबर, इस वक्त राजधानी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बचाना है तो कुछ ना कुछ करना होगा और केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया है कि टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि टास्क फोर्स के लिए हम पहले मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि अब टास्क फोर्स का गठन कर दिया जाएगा ताकि बच्चों को बचाया जाएगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हैं और जब तीसरी लहर आएगी तो वो बच्चों को खासकर प्रभावित करेगी और बच्चे प्रभावित ना हो सके उसके लिए पहले ही राज्य सरकारें तैयारी कर रही हैं। आपने ये खबर महाराष्ट्र से सुनी होगी, जो हम आपको जानकारी दे रहे थे कुछ दिन पहले कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया कि टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अब राजधानी दिल्ली से भी ये खबर मिल रही है कि बच्चों को बचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन केजरीवाल सरकार करने वाले हैं और कितनी राहत इससे मिलेगी वो तो खैर वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों में इस वक्त कोरोना का संक्रमण दिखना शुरू भी हुआ, क्योंकि दिल्ली में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दो बच्चों की मौत कोरोना से हो गई थी और इस यही वजह रही या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी सामने आए और वो कह रहे हैं कि राजनीति करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है बच्चों को बचाने का, क्योंकि हमने पहले लापरवाही की जब केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि लापरवाहियां हुई जब पहली लहर आई, दूसरे की तैयारी नहीं की गई, लेकिन अब हमें तीसरे लहर की तैयारी करनी होगी और अपने बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाना होगा। क्योंकि आपको याद होगा सिंगापुर को लेकर जो केजरीवाल ने बातें कही थी, अब उस पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच दरार बरकरार है, लेकिन उस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सामने आए हैं और उन्होंने कई बातें कही हैं। फिलहाल दो खबरें हम आपको बैक टू बैक बता रहे हैं कि केजरीवाल ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है, लेकिन दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा है कि बच्चों को बचाना होगा और बच्चों को बचाने के लिए खबर सामने आई कि केजरीवाल ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया, यानी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और ये टास्क फोर्स कितना अहम कदम उठाएगी और क्या करेगी खैर ये वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी, जो हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उज्जवल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी लाइव आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उज्जवल, क्या राजधानी दिल्ली के अंदर पहले से ही ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने ऐलान किया कि टास्क फोर्स का गठन हम करेंगे और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजनीति करने का वक्त नहीं है और बच्चों को बचाना होगा तो कदम उठाने होंगे जो पहले नहीं किया गया, क्या वाकई ये कदम कारगर साबित होने वाले हैं? उज्जवल, बिल्कुल, देखिए यकीनन हर्ष, अगर देखें हम राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरीके की भयानक तस्वीरें सामने देखने को मिल रही थी। हमने देखा कि देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत, वेंटिलेटर की किल्लत और हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं वैक्सीन की किल्लत की वजह से भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमने देखा कि दिल्ली के अस्पताल किस तरीके कैसे पूरे कोलैप्स हो गए थे, दिल्ली की पूरी हम कह सकते हैं स्वास्थ्य सुविधा जो भी थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में चौथी लेयर जो आई थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में जो केस थे वो लगभग देखिए 28,000 के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन अब दिल्ली पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दिल्ली ने कहीं ना कहीं इस महामारी पे कुछ हद तक कंट्रोल पा लिया है। क्योंकि देखिए अगर हर्ष हम बीते 24 घंटे की बात करेंगे तो बीते 24 घंटे में देखिए 4400 के आसपास जो है वो आंकड़ा पहुंच गया संक्रमितों का, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार को जो चीज खटक रही है वो ये है, देखिए जो तीसरी लहर की जो बात की जा रही है देश में आने की, वो देखिए कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर का जो संक्रमण होगा वो बच्चों पे ज्यादा प्रभावी होगा और बच्चों को अपनी चपेट में ले सकता है। इसको लेके हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया था, जो सिंगापुर से फ्लाइट आने के लिए और जाने के लिए, यानी ना हिंदुस्तान से कोई सिंगापुर फ्लाइट जाए और ना सिंगापुर से हिंदुस्तान में कोई फ्लाइट आए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह कहना था कि जो नया स्ट्रेन सिंगापुर में पाया गया वो ज्यादातर जो प्रभावी है, वो जो ज्यादा खतरनाक है, वो बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है।
लेकिन उसके विपरीत हमने देखा कि किस तरीके से, देखिए जो विदेश मंत्री है वो सामने आए जयशंकर, उन्होंने बताया कि केजरीवाल जी को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। जो सिंगापुर के खुद सिंगापुर की तरफ से खुद एक देखिए आधिकारिक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि इतना कोई खतरनाक श्रेय नहीं है जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। लेकिन वही अगर देखिए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उन्होंने भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि केंद्र को और राज्य को दोनों को अपनी रंजिश छोड़ के कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए अगर एक स्ट्रेन जितना घातक बताया जा रहा है अगर बच्चों में फैलता है तो सबसे पहली बात तो हर्ष ये कि अभी बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। देखिए बच्चों के लिए जो वैक्सीन की जो तैयारी की जा रही है वो भारत बायोटेक की जो कंपनी है कोवैक्सीन जो बनाती है उसके ट्रायल चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब बच्चों के लिए भी उसको वैक्सीन के दी जाने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन जब तक ये वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिलती है उस तब तक कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये लगता है कि जो नया स्ट्रेन है उसको दिल्ली में आने से रोका जाना चाहिए। उज्जवल, क्योंकि एक तरफ तो केजरीवाल सरकार ये कह रहे हैं कि केंद्र की पूरी मदद मिल रही है, दूसरी तरफ आज ही बयान दिल्ली के मुखिया ये कह रहे हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई केंद्र की तरफ से। पहली लहर में जो हमने तस्वीरें देखी वो दूसरी लहर में भी सामने आई। एक तरफ वो धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का कि पूरी मदद हमें मिल रही है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि केंद्र ने लापरवाही कर दी और अब हम अपने बच्चों की फिक्र करना चाहते हैं तो हमें मदद चाहिए और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में राजनीति ना हो। तो राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है उज्जवल। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, देखिए राजनीति तो हमें दोनों तरफ से देखने को मिल रही है, देखिए चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की। क्योंकि देखिए अभी कुछ दिनों पहले जब जो प्रधानमंत्री जितने भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे तो उस पर जब केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उन्होंने लाइव वो टेलीकास्ट कर जाता तो प्रधानमंत्री काफी ज्यादा नाराज हुए थे। उन्होंने लाइव टेलीकास्ट में भी कहा था कि ये जो हम कह सकते हैं कि इस मीटिंग को बाहर लाइव टेलीकास्ट नहीं करना था और ये सारी चीजें खिलाफ है। और अभी हमने देखा कि अब जब प्रधानमंत्री खुद जितनी भी मीटिंग्स कर रहे हैं वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं तो ये चीज उठाई भी थी, देखिए दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया ने भी उठाई थी और केजरीवाल ने भी उठाई थी। तो लेकिन देखिए आरोप प्रति आरोप का जो सिलसिला है वो बरकरार है और ये देखिए लड़ाई जो है दिल्ली की और केंद्र सरकार की ये अभी नई नहीं है, काफी पुरानी है। लेकिन इन दोनों को ये समझना पड़ेगा हर्ष कि किसी तरीके से ये लड़ाई को भुला के दिल्ली के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए काम करे दोनों सरकारें मिलके, क्योंकि हमने देखा कि दूसरी लहर में काफी ज्यादा भयानक तस्वीरें देखने को मिली थी और काफी ज्यादा नुकसान देश को हुआ था, राष्ट्र राजधानी दिल्ली को हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों सरकारों को अपनी तकरार भुलानी पड़ेगी और एक आके एक प्लेटफॉर्म पे आके हम कह सकते हैं लोगों के लिए कुछ अच्छे और कड़े कदम उठाने की जरूरत है, काम करना होगा, लोगों की जिंदगियां बचानी है। लेकिन वो तस्वीरें कब देखने को मिलेगी ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल उज्जवल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।